हेलो बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है ठीक है इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिडलाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से रेडियली इनवर्ड होती हैं तो ये जो बताया जा रहा है ना कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली इनवर्ड ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है अगर ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट है तो इसको डेवलप किसने किया इसको जो है फेराडे ने डेवलप किया था और ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट तो है लेकिन बड़ा ही हेल्पफुल है इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता कर पाते हैं आसानी से कर पाते हैं बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन होनी चाहिए ठीक है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर पाते हैं और भी बहुत सारी चीजें पता कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है ये मतलब एक प्रकार का ये आपका इमेजनरी कॉन्सेप्ट है लेकिन इमेजनरी कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं आएगा बहुत काम की चीज है ठीक है चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है देखो तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक कंटिन्यूस कर्व होती हैं और ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और एंड टर्मिनेट टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना और नेगेटिव चार्ज में जाकर के खत्म हो जाती है टर्मिनेट हो जाती है मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है कहाँ जा करके खत्म हो रही है नेगेटिव चार्ज में जाकर के खत्म हो रही है तो देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं से क्या हो रही है ऑरिजिनेट हो रही है इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से बाहर को निकल रही है अब देखो जो एक लाइन मैंने यहां लिखी है कि इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज अगर ये एक सिंगल चार्ज है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड एट इनफिनिटी तो अगर ये एक सिंगल चार्ज है तो इस सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहां तक होंगी इनफिनिटी तक होंगी वो कहां जाकर के खत्म होगी इंफिनिटी में जाकर के खत्म होंगी मतलब इस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इंफिनिटी में जाकर के जीरो होगा तो ये कहां तक जाती रहेंगी जाती रहेंगी जाती रहेंगी इंफिनिटी तक जाती रहेंगी अगर ये सिंगल चार्ज है तो ठीक है समझ मारा अगर ये सिंगल चार्ज है तो तब इंफिनिटी तक जाएंगी पहले बता देता हूं ठीक है तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस कर्व है मतलब ये इन्फिनिटी तक जाती रहेगी वो कहीं पे भी बीच में रास्ते में ब्रेक नहीं होंगी ठीक है तो ये कंटिन्यूस कर्व है विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऑरिजिनेट हो रही है एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज में आकर के क्या हो जाती है ये टर्मिनेट हो जाती हैं मतलब फाइनली इन्हें कहां पहुंचना होता है नेगेटिव चार्ज में ही आकर के इन्हें पहुंचना होता है बस ये समझ लीजिए ठीक है तो ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है नेगेटिव में आकर के नेगेटिव में ही फाइनली पहुंच रही है देखो तो यहां पे नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या लिखा हुआ है ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब यह है द इलेक्ट्रिक लाइंस वुड स्टार्ट फ्रॉम इनफिनिटी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में तो आ रही है, देखो, बन रहा है।, इस तो आ रही है। लेकिन कहा इन्फिनिटी से आ रही है यहां आकर के ये एंड हो जा रही है ठीक है समझ में आ रहा है अब देखो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका देखो क्या लिखा है नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कर्व एंड दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप देखो बच्चों ये कर्व है देखो यहां पे तो हमने आ, चार्ज को जो है ना सिंगल चार्ज कंसिडर किया था सिंगल चार्ज था तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे रेडियली आउटवर्ड थी यार ये इन्फिनिटी तक जा रही थी ठीक है अब देखो यहां पे सिंगल चार्ज नहीं है एक पॉजिटिव चार्ज है और उसी के बगल में मान लो एक दूसरा चार्ज भी है अब देखो अगर ये सिंगल चार्ज होता बच्चों इस तरीके से सिंगल चार्ज होता तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है ना जैसे यहां पे थी देखो ये रेडियली आउटवर्ड अगर ये सिंगल होता है, तो रेडियली आउटवर्ड होती लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलती हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती है कहाँ जाना चाहती हैं नेगेटिव में पहुँचना चाहती हैं तो उसी तरीके से क्योंकि इसके सामने यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली और वो किधर को बैंड हो गई इधर ये नेगेटिव की तरफ जाने लगी इस तरीके से ये नेगेटिव की तरफ जाने लगी इस तरीके से नेगेटिव की तरफ जा रही है देखो पॉजिटिव से निकल रही है ये नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव जा रही है देखो यहाँ से भी ये पॉजिटिव से निकल रही है और ये ऐसे ये नेगेटिव में पहुँच रही है 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 समझ में आ रहा है लेकिन बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूअस कर्व है लेकिन देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बच्चों ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो पहुंची लेकिन नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही है बस यहां से ये ओरिजिनेट हुई या यहां आकर के ख़त्म हो गई बस नेगेटिव में पहुंच गई फाइनली बस किसी भी चीज़ को क्लोज्ड लूप कब बोला जाएगा कि यहां से निकलती यहां पहुंचती फिर वापस यहां अगर आ जाती तो इसे क्लोज लूप बोला जाता लेकिन इसने ऐसा नहीं किया इसी यहां से ओरिजिनेट हुई और यहां आकर के टर्मिनेट हो गई बस यहां आकर के एंड हो गई है फिर देखो यहीं पॉजिटिव से निकल रही है यहीं जा करके समा जा रही है यहीं से निकल दिए यहीं समा जा रही है यहीं आकर के एंड हो जा रही है तो क्लोज लूप दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप समझ में आ गया होगा क्लोज लूप तो तब फॉर्म करता है ना जब यहां से ऐसे ओरिजिनेट होता फिर यहां से फिर वापस यहां भी आता अगर तो पर ऐसा ये कर नहीं रहा है ठीक है समझ में आ गया अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहां पे यहां पे कह रहा है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिवस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वो कह रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए उस टेंजेंट की मदद से आपको क्या पता चलता है वो टेंजेंट आपको क्या बताता है वो ये बताता है इट गिवस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको जीवन है तो वहां पे कोई एक पॉइंट आप कंसिडर कीजिए उस पॉइंट में आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए बस वो टेंजेंट की जरा डायरेक्शन होगी ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी समझ मार है अब देखो जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं अब देखिए जैसे यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें गीबन है देखिए पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है ऑरिजिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिट हो रही है यहां जा करके ये एंड हो रही है मतलब यहां पहुंच रही है पॉजिटिव से ये नेगेटिव में पहुंच रही है पॉजिटिव से नेगेटिव में पहुंच रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें गीवन है ना तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें गीवन है यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से हम जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं अब कैसे पता करेंगे देखो मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पर भी कोई पॉइंट बना दीजिए जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर दिया अब मान लो ये ए पॉइंट है ठीक है अब अगर मुझे कोई पूछता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे चल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, है ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तरफ जा रही है तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है बस तो टेंजेंट किधर ड्रॉ करोगे इस तरफ ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट है यहां पे इस ए पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था ना तो बस यहां पे क्या करना है बस आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहां पे बस एक टेंजेंट ड्रॉ करना था बाकी कुछ नहीं करना था ये यह यहां पे इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है अब जैसे कहीं पे भी कोई भी दूसरा पॉइंट ले लीजिए जैसे आपको यहां पर बताना है कैसे जैसे मान लो यहां पे बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लो ये बी पॉइंट यहां पे बताना है तो यहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे ये टेंजेंट तो यहाँ पे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है की जो होगी, की जो होगी, वो इस तरफ होगी ठीक है अब जैसे यहां पर इस जगह में अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या करना है आपको वैसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देना टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है डायरेक्शन है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ठीक है अब देखो जैसे मान लो ऐसे कोई पॉइंट दे दिया आपको जैसे ये पॉइंट uh, नहीं जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे दी आपको इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरीके से जा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहां से ऑरिजिनेट हो रही है यहां से इस तरफ जा रही है इस तरफ जा रही है ठीक है अब मान लो जैसे यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी मान लो ये पी पॉइंट है तो आपको क्या करना है यहां पर जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ तो कर दिया बस यही तो होगा टेंजेंट टेंजेंट ऐसी तो बनेगा ना ठीक है इस तरीके से बनता है मतलब टेंजेंट तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट

इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हो, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे देखो बच्चों यहां पे भी कहां कर रही है इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कहीं पे नहीं करेंगे यहां पे भी देखो इन्होंने कहीं पे भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन नहीं होता ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है अब देखो जैसे मैं एक दिखाता हूं आपको ये देखो एनसीआर का देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों अगर देखो अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्या होती है ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है इस तरीके से तो अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती रेडियली आउटवर्ड होती है ना जैसे ये फील्ड फिल्डलाइंस ये ऐसे इस तरीके से बैंड हो रही है तो ये ऐसे आगे की तरफ ऐसे आउटवर्ट होते ये जो फील्ड फिल्डलाइंस है ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती और ये वाली भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट हो जाती लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं हुई है देख रो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फीडलाइन एक दूसरे को क्या कर रही है रैपल कर हैं। क्योंकि बच्चों वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहती है तो इसकी, इसकी भी आउटवर्ड होनी चाहिए थी लेकिन बच्चों वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी इसीलिए देखो वो इधर रैपल हो गई ये इधर रैपल हो गई वो रैपल हो गई है समझ रहा है तो इधर बैंड हो गई इलेक्ट्रिक फीडलाइन ये इधर बैंड हो गई इलेक्ट्रिक फीडलाइन समझ है अब देखो ये यहां से ना एक क्वेश्चन बन जाता है समटाइम्स कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप अगर क्वेश्चन में अगर आ गया तो इसका आंसर कैसे लिखोगे तो देखो बच्चों ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं हम ऐसा मान करके चल लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का इंटरसेक्शन करा लेते हैं ठीक है तो जैसे मान लो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर बना लेते हैं ठीक है अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया मान लो ठीक है अभी हमें ये प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती मतलब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गए अब देखो हमें क्या करना है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से पी पॉइंट पे

ये मिल गई तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दो दो बता रहा है ये भी बता रहा है ये भी बता रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है इसीलिए यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर लिखा है ना बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो इंटरसेक्शन हमने मान लिया तो इसीलिए लिखा है यहां पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट गिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई यहां पे ये दो डायरेक्शन बताने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की विच इज नॉट पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल ठीक है दूसरा मैंने यहां पे भी 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 आपको बताया था ये 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 एक एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज है 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 तो देखो ये देखो ना दूर दूर जा रही है, ऐसे रैपल होने लग गई है अगर इन्हें इंटरसेक्ट करना होता तो यहीं पे कर लेती इंटरसेक्ट पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना ये देखो इसे तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था इसे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था पर ये देखो बैंड होने लग गई है ठीक है क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहती ठीक है अब देखो नेक्स्ट है आपका ये कह रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फीडलाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर मान लो कोई कंडक्टर है ठीक है कंडक्टर किसी भी सेब का हो सकता है ठीक है आइए मान लो चार्ज कंडक्टर ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी आर आर ऑलवेज नॉर्मल टू द दर्फेस ऑफ ए कंडक्टर नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर इस सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फीडलाइन ऐसे होंगी ठीक है इस तरीके से होंगी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे अवे होगा मतलब इलेक्ट्रिक वेड लाइन होंगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अवे होंगी पर परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे और अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो टू वर्ड्स होती ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी इस तरीके से होंगी इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर ठीक है समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों है ऐसा क्यों है क्वेश्चन यही हो रहा है कि कोई अगर एक चार्ज्ड कंडक्टर हमारे पास है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों निकल रही है मतलब इस तरीके से क्यों निकल रही है? अब देखो बच्चों सीधी सी बात है कोई भी जो चार्ज बॉडी होगी ना क्या उसमें से करंट फ्लो होगा नहीं होगा भाई बॉडी चार्ज है ना करंट थोड़ा ना फ्लो हो जाएगा तो चार्ज बॉडी है जैसे मान लो ये कोई चार्ज है चार्ज कंडक्टर है जैसे ये चार्ज कंडक्टर है अब यहां पे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है परपेंडिकुलर अगर वो परपेंडिकुलर ना होकर के कि किसी एंगल पे होती मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ठीक है, है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल पे तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ई कॉस थीटा क्योंकि यहां पे थीटा एंगल बन रहा है और इसकी हो जाएगी आपकी ई साइन थीटा समझिए अब देखो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ना ये क्या कर रहा है इस कंडक्टर के सरफेस पे क्या कर रहा है लाए कर रहा है मतलब इसके सरफेस को छू रहा है टच कर रहा है तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे इलेक्ट्रॉन भी होंगे समझ में रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगने लगती है तो अगर ये इ कॉस् थीटा जो है बच्चों ये इधर सरफेस ये जो कंडक्टर का जो सरफेस है ना इस डायरेक्शन में अगर होगा तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन में इस ई e थीटा की वजह से फोर्स लगने लग जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे जिसकी वजह से यहां करंट फ्लो होने लग जाएगा जो कि होता नहीं है जो कि होता नहीं है कोई भी जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा बच्चों उससे खुद ब खुद करंट थोड़ा ना फ्लो होने लग जाएगा समझ आ रहा है हमने कोई चार, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर रखा हुआ खुद ब खुद के करंट फ्लो होने लग जाएगा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर्टिक्युलर इस डायरेक्शन में होती है ना तिरछी होती तो देन ये करंट फ्लो होने लग जाता जो कि होता नहीं है समझ में आ रहा है इतना अब देखो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी अब देखो जैसे ये आपका ये चार्ज बॉडी है ठीक है अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स क्या होगी इसके परपेंडिकुलर होगी ना ऐसे होगी ऐसे होगी ये इस तरीके से लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द बॉडी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फील्डलाइन सरफ़ेस के ऐसे परपेंडिकुलर तो होंगी ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर तो होंगी लेकिन इलेक्ट्रिक नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पर होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगा और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां अंदर होती ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी जीरो होगा अब देखो वो जो नेक्स्ट आपका ये लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले यह समझा देता हूं ठीक है इस वाले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं पहले देखिए यहां पे क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस तो वो ये कह रहा है कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डेंसिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का पता कर सकते हो इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा और अगर फील्ड फील्डलाइंस की डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होगा ठीक है अब डेंसिटी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी इसका कैसे पता करेंगे देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फील्डलाइंस बना रही है इस तरीके से जैसे मान लो ये यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड मैंने इस तरीके से बना रही है ठीक है ये इस तरीके से बना रही है, और यहां पे मैंने यहां पे जो इलेक्ट्रिक है ना यहां पे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी क्लोज है और यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बहुत ज्यादा सेपरेटेड इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है डेंसर है यहां पे कि कम डेंसर है तो इसका मतलब यहां पे जो फील्ड लाइंस है ना उसकी डेंसिटी क्या, 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 क्या है ज्यादा है यहां डेंसिटी क्या कम है तो जहां डेंसिटी ज्यादा होगी ना उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा समझ में आ रहा है तो अगर जैसे मैंने यहां पे एक ए पॉइंट ले लिया और यहां पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया और हमसे पूछा जाता है इस ए पॉइंट और बी पॉइंट में बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो बच्चों ये जो ए रीजन है ना इस ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा होगा इस बी रीजन से क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ठीक है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्राउडेड है काफी क्लोज क्लोज है यहां पे क्या है वो क्या हो रही है मतलब सेपरेटेड हो रही है इनके बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है ठीक है तो यहां पे डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है इसीलिए यहां पे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कम आएगा इसके कंपैरिजन में कम आएगा ठीक है समझ मारा अब देखो ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मान लो ये कोई चार्ज है ठीक है ये कोई पॉजिटिव चार्ज है अब इससे फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगी इस तरीके से ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगी ठीक है इस तरीके से ऐसे ये रेडियली आउटवर्ड होती है ठीक है इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होती है तो देखो बच्चों यहां पे अगर मैं मान लो ये एक दो पॉइंट अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं ऐसे ये दो पॉइंट और यहां पे अगर मैं ये दो पॉइंट कंसीडर करूं तो देखो यहां पे ये जो दो पॉइंट है ना ये काफी क्लोज क्लोज है पर ये दो पॉइंट क्या है काफी दूर दूर है तो यहां पर जो फील्ड लाइन्स हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यह काफी क्लोज है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या क्लोज है पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या दूर दूर है तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नजदीक नजदीक होंगे ना इस रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है तो यहां पे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है डेंसिटी डेंसिटी यहां यहां पे पे ज्यादा है 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 और यहां पे क्या है? कम है। तो इस रीजन में इस रीजन में मान लो मैंने ए पॉइंट बोल दिया और यहां पे यह बी पॉइंट बोल दिया अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट बी पॉइंट तो बच्चों जो ए पॉइंट पे यहां पे जो ये जो पॉइंट ए है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा बी के कंपेरिजन में क्योंकि यहां पे जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कम है यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ज्यादा है तो जहां क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है काफी नजदीक नजदीक है क्लोज क्लोज है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है सेपरेटेड है काफी दूर दूर है समझ में आ रहा है तो जहां यहां पर डेंसिटी कम है यहां पर डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो चलिए कुछ यहां पर पॉइंट लिख देता हूं नियर द चार्ज फील्ड लाइंस आर क्लोजर यहां देखो बच्चों ये तीन पॉइंट लिए थे तो यहां पे जो फील्ड लाइंस थी ना ये वाली फील्ड लाइंस ये वाली फील्ड लाइंस ये नियर द चार्ज क्या है क्लोजर है यहां पे क्लोजर है पर यहां पे क्या थी सेपरेटेड थी ठीक है तो नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर हैंस क्लोजर होने का मतलब वहां पर की जो डेंसिटी है फील्ड लाइन्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉगर ठीक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा स्ट्रॉंगर होगा नियर द द चार्ज, चार्ज, नियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉगर होगा अब अगर हम बच्चों, बट अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर हम अवे फ्रॉम द चार्ज की बात करें यहां पे तो नियर द चार्ज हमने कंसिडर किया था अब अवे फ्रॉम द चार्ज अगर यहां पर इस रीजन को अगर हम कंसिडर करें अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड लाइन आर वेल well सेपरेटेड ठीक है वहां पे सेपरेटेड हो जाती हैं यहां पे देखो इस रीजन में ये अवे फ्रॉम द चार्ज है ये वाला रीजन चार्ज से काफी दूर है तो यहां पे फील्ड लाइंस क्या हो जाती है सेपरेटेड हो जाती हैं आर वेल सेपरेटेड एंड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा वीकर हो जाएगा ठीक है अब देखो एक और चीज बताता हूं आपको जैसे मान लो यहां पे एक क्यू चार्ज है अब इस क्यू चार्ज से कुछ ये मान लो इस तरीके से मैंने चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना रखी हैं तो अगर यहां पर टू क्यू चार्ज होगा तो कितनी फील्ड लाइन बनाओगे अब आठ बनाओगे ना ये तो क्यू चार्ज है इसका जस्ट दुगना टू क्यू तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी इससे अगर चार बनी थी तो इससे कितनी बनेंगी अब आठ बनेंगे ना पांच छ सात और एक आठ ठीक है समझ आ रहा है अब देखो जैसे ये रह गया था आपका ये लास्ट पॉइंट रह गया अब आपका देखो यहां पे क्या कह रहा है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल देखो जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हुई और लीनियर इक्विडिस्टेंट हुई इक्विडिस्टेंट हुई मतलब इसका मतलब क्या देखो कुछ इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस हुई ये, ये 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 देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है पैरेलल है

यूनिफॉर्म का मतलब मतलबेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने जैसे मान लो ये ए रीजन है यहां पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस सी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी रीजन क्या होगा तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम होगा कॉन्स्टेंट होगा इसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है इक्विडिस्टेंट होती है और पैरल होती है ठीक है

ये एक और बना देते हैं ठीक है देखो बच्चों अगर मैं यहां पे इस जगह में देखूं ये दो, दो, तो यह दो यहां, से के यहां, का यहां का थोड़ा कम होगा यहां, का कम हो यहां पे का तो सेम थे देखो ये इक्वि डिस्टेंस थी लेकिन ये वराइंग डिस्टेंस पे यहां की जो फील्ड लाइन है वो क्लोजर है यहां की जो फिल्डलाइंस है वो थोड़ा दूर दूर है यहां की और ज्यादा दूर दूर है समझ रहा है नॉट लीनियर लीनियर भी नहीं है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में

मतलब यहाँ कम डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा ठीक है तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया थ्योरी पोर्शन था एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो रिवाइज कीजिएगा इसे